अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं और ए और हमारे साथ आई है फातिमा सुबह की सैर करने के लिए, और हम पीछे रह गए और ए ना आगे आगे जा रही है, वो अकेली जाई जा रही है। पता नहीं उसको क्या हो गया, जैसे कोई सदियों से नहीं घूमने फिरने आया, और ए जो है ना वो खुद ही आगे हमसे जाई जा रही है, चली जा रही है। उसको मैं वाजह दे रहा हूँ, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। पता नहीं क्या हो गया इसको, कुछ याद आ गया, बचपन की याद आ गई है। मैं कुछ भी करता हूँ, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, कुछ भी करता हूँ। वो खुद ही भागी जा रही है, वो देखे जी वो ए जा रही है, अकेली आई जा रही है और हम इतना पीछे रह गए हैं। यहाँ पे जी बहुत सारे कवो की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, कई मरे पड़े हैं। मुझे क्या हुआ, लो जी फातिमा ने मुझे आवाज मारी, इधर छोटी सी कोई नर्सरी बनी है और उसने ढूंढ लिया नर्सरी कोई। ये देखिए ये फातिमा ने नर्सरी ढूंढी है जो कि खराब हो चुकी है, और सिर्फ ये गमले पड़े हुए हैं। छोटी सी नर्सरी बनी है, इधर कोई भी नहीं देखभाल के लिए इनकी, सब खराब हो गया। हम ओए को पकड़ो जी, कहाँ गई। ओ जी ये हमारी गुम हो गई है, पर पता नहीं कहाँ कहाँ चली जा रही है। जल्दी भाई भाई तो हम उसको जाके पकड़ते हैं, गुम ना हो जाए। तो जी ये हमारी गुम हो गई थी, वो हमें मिल गई है। मैं फातिमा उसको ढूंढ के लेके आ रही है और हम भाग के गए हैं, हमें सांस चढ़ गया जी। एक हमने ढूंढ लिया था और वो नाराज हो गई थी हमसे, तो उसको मनाने के लिए ना हम मनाने के लिए हम लेके आए उसको पुड़ियों वाली दुकान पे। तो वो अब ना हंस रही है, बहुत ज़्यादा हंस रही है। ये दोनों ये मैं फातिमा उसको भाग के लेके ढूंढ के लाई थी, और ये इश्तिहार ये जो भाग के ना ये चाहती थी कि मुझे पुड़ियों का नाश्ता करवाया जाए, तो इसलिए ना इसने ये सब ऐसा किया। नहीं तो नाश्ता हमारा आ गया, तो हम करेंगे पुड़ियों का गर्म गर्म नाश्ता। जी ये है हमारे चने, ये है सैलड, इसमें है अचार चने और ये खीरा है, और अचार भी है, ये रहा अचार। ये अचार है और ये है हलवा, ये बहुत टेस्टी होता है। और पुड़ियाँ हमारी आने वाली हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं पुड़ियों का। तो ये देखिए जी ये हमारी आ गई है गरम गरम पुड़ी, और वो देखिए एक टूट पड़ी है छा छा करके गंदा बेबी। मैं मज़े की बात बताऊँ, इन सबसे ज़्यादा मैंने ही खानी है। Two hours later. तो जी मैं आया हूँ बाइक का क्लच लीवर डलवाने, मेरी बाइक का क्लच लीवर है गया टूट, तो वो मैं डलवाने आया हूँ मैकेनिक के पास। ये देखिए जी हमारा क्लच लीवर गया, यहाँ से टूट है, ये टूट गया, तो ये भी हम चेंज करवा रहे हैं। तो जी हमारा क्लच ये डल गया है नया, तो उनसे मैंने लड़ाई लड़ुई करके ना 100 रुपया ख़त्म किया कि मैं 100 रुपया दूंगा आपको, तो वो जी कह रहे हैं ठीक है जी 100 रुपया हम उनको दे देंगे। तो इसके बाद मैं जा रहा हूँ हलीम लेने, सुबह का नाश्ता किसी ने भी नहीं किया घर में, समझा करो। तो जी मैं अभी भी आया हूँ चूज़ो के पास उनसे मिलने, इतने दिन हो गए मैं उनको मिला नहीं हूँ। तो अभी अभी ये ने खोला है, उनको रोटी डालने लगी है, मैं उसको लेके आया हूँ ऊपर अपने साथ। मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ रोटी डालो चूज़ो को, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत भूखे हैं, उनको भूख लगी हुई है। तो ये रहे जी हमारे चूज़े, उन्होंने सबसे पहले हमला किया खरगोशों के पट्टों पे, वो पड़े हैं। लो जी मैं और ये जा रहे हैं अब चूज़ों के पास उनको देने के लिए बाजरा, और उनको उनके लिए किया है गर्म पानी, तो मैं निकाल लूँ पानी। ये देखिए ये माइक्रो में पानी रखा था, हमारी गैस गई हुई है, तो इसलिए मैंने पानी माइक्रो में गर्म किया है, ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा है। लो जी इनको हम देने लगे पानी, प्यास लगी हुई है बहुत ज्यादा।
आज इनको इंजेक्शन लगाने थे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला। मैं बाइक का काम करवा के आया हूँ तो मैं सो गया हूँ और इन्हें मुझे उठाया तकरीबन 4-5 बजे और इसने मुझे बहुत लेट उठाया। पानी इनको बहुत पी लेंगे। बाजरा ये मैंने दो जगहों पे डाल दिया। हाँ वो मुझे चूंचे मार रही है। मैं और ये नीचे आ गए हैं। नीचे बहुत ठंडी थी, मैंने टोपी पहन ली है और मुझे बहुत सर्दी लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुखार है। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पे करता हूँ एंड। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।